हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। और अभी मैं जस्ट अपने बेड से उठती जा रही हूँ, सुबह का टाइम है। और आज दिन कौन सा है? आज है दिन फ्राइडे, शुक्रवार है। और बस अभी लाइट भी नहीं ऑन है कहीं की, अंधेरा हो रहा है पूरे घर पे। हेलो, गुड मॉर्निंग। और टाइम हो गया है सुबह का 5:10, और जस्ट मैं अभी उठी हूँ, लाइट ऑन की है। पानी नहीं पीऊँगी आज क्योंकि फ्राइडे है, तो सुबह पानी नहीं पीती हूँ, वरना सुबह सुबह उठ के पानी पी लेती हूँ मैं। तो बस जा रही हूँ मैं गेट वगैरह खोलने के लिए, और ये लोग अभी सो रहे हैं, अभी नहीं जगाऊँगी, 6:30-7 तक जगा दूँगी इनको भी। ये ऑन कर दी मैंने किचन की भी लाइट, और किचन मेरा एकदम नीट एंड क्लीन पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं रात में ही सारा सब कुछ किचन का काम निपटा के ही सोती हूँ। तो सुबह फिर मुझे भगदड़ नहीं मचती है, भाग दौड़ नहीं होती है कामों की, सुबह एकदम साफ़ सुथरा ही मिलता है। ये खोल दिया अपना मेन गेट मैंने, और पूरी कॉलोनी में एकदम सन्नाटा छाया हुआ है अभी, केवल कुत्तों की और कौवों की आवाज़ आ रही है। तो एकदम शांत सा पड़ा हुआ है, सुबह का बहुत अच्छा मौसम होता है सुबह जल्दी जब उठो। और ये फिर इसके बाद मैं जितने भी कपड़े जो मैं रात में अंदर डाल के सोती हूँ उनको उठा लूँगी, जो जो सूखे हैं उनको अंदर रख दूँगी, जो अभी हल्के गीले हैं इन्हें दोबारा से बाहर डाल दूँगी, तो हवा में सूख जाएंगे। और मैं एकदम खटपट नहीं कर रही हूँ, बड़े धीरे धीरे आराम आराम से काम करती हूँ ताकि बच्चे ना जग जाएं। अयान के उठने से पहले मैं फटाफट सारे काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि फिर वो कूड़े में आगे आगे आता है, पोंछे में आगे आगे आता है, इसलिए मैं ज़्यादा खटर पटर नहीं कर रही हूँ। अभी उसके उठने में टाइम है, अभी 1-1.5 घंटे के बाद ही उठेगा वो, अभी नहीं उठेगा, अभी दूध पी के सोया है। सुबह एक बार उठ जाता है 4:30-5, फिर सो जाता है, फिर वो नहीं उठेगा अभी। तो यहाँ पे मैंने पूरे घर में लगा ली है झाड़ू सुबह वाली, उसके बाद मैंने कर लिया है ब्रश। और ब्रश मैं सुबह एक बार कर लेती हूँ, फिर नहाने से पहले भी ब्रश करती हूँ, मेरी आदत है 2 बार ब्रश करने की, नहाने के साथ में भी। उसके बाद मैं अपना फेस ज़रूर वॉश करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि रात भर में बहुत सारे जर्म्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे चेहरे पर इकट्ठी होती रहती हैं, इसलिए सुबह फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं ज़्यादा कुछ स्किन रूटीन नहीं कर पाती हूँ क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास में, और मुझे इतना कुछ आता भी नहीं है, इसलिए सिर्फ मैं फेस वॉश करती हूँ चेहरे को थोड़ा सा, उसके बाद में थोड़ी क्रीम लगा लेती हूँ, जो मेरी डेली क्रीम है वो लगा लेती हूँ सुबह सुबह। इससे ज़्यादा कोई तामझाम नहीं होते हैं मेरे से, और क्योंकि ये ना एक ही चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो संभालनी होती हैं, केवल अपनी केयर है तो आप आराम से रूटीन भी करते रहो। तो यहाँ पे मैंने अपने फेस में क्रीम लगा ली है थोड़ी सी, और उसके बाद मैं जाती हूँ अब पोछे के लिए पानी भरने के लिए। तो यहाँ पे मैं पोछे में डाल रही हूँ लिक्विड, उसके बाद पूरे घर की हो जाएगी अच्छे से पोछे वाली क्लीनिंग। और सुबह के टाइम मेरे पास बहुत टाइम रहता है, इस टाइम पर मैं बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ घर को, और इस वाले पोंछे ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया है, बहुत जल्दी लग जाता है इसे पोंछा, और सूख भी बहुत जल्दी जाता है। पहले मुझे काफ़ी टाइम लग जाता था, आधा घंटा लग जाता था पूरे इतने बड़े घर पे पोंछा लगाते हुए, लेकिन इससे ना मैं कोनों कोनों की सफाई कर लेती हूँ, चाहे वो बेड के नीचे हो या घर का कोई भी कोना हो। और अभी मैंने कपड़े तह नहीं किए, कंबल अम्बल ऐसे ही पड़ा हुआ है क्योंकि अयान अभी बेड पर सो रहा है, तो जब ये लोग उड़ जाएंगे उसके बाद ही मैं सारे बिस्तर झाड़ूंगी। और बेड के नीचे मैं ज़रूर पोंछा लगाती हूँ, बेड के नीचे क्यों लगाती हूँ आपको दिन में देखने को मिलेगा कि मेरे बेड के नीचे क्या होता है असली में। अभी मुश्किल से 6 भी नहीं बचा है और मेरे पूरे घर की सफाई हो गई है, पूरा घर चमक उठा है। मतलब सुबह सब जब उठते हैं उस टाइम घर साफ मिले तो कितना अच्छा लगता है ना। तो बस यहाँ पे ये गैलरी और मैं साफ़ कर देती हूँ, और गैलरी का ताला मैंने अभी नहीं खोला है, ये जब दूध लेने जाएंगे तभी ताला खोलेंगे, और तभी साथ में ही कूड़ा भी फेंक आते हैं, मैं साथ में ही पूरा कूड़ा भर दूँगी। और कभी कभार जब ये नहीं ले जा पाते हैं तो मैं जाके फेंक देती हूँ,
तो इस तरीके से पूरे घर की साफ सफाई सब कुछ हो गई है। और ये अब मैं आई हूँ नहा धो के, बीच में मैंने कपड़े साफ़ किए, अयान को नहलाया और इनका ब्रेकफास्ट वगैरह भी बनाया था, फिर ये ऑफिस गए हैं। अब मैं आई हूँ नहा धो के, एकदम फ्रेश फ्रेश फील हो रहा है इस समय। और आज की साड़ी अच्छी लग रही है ना, अब ये वाली साड़ी भी मैंने निकाल ली है क्योंकि बहुत हल्की है। हेलो गुड मॉर्निंग। और आज ना मैंने ये वाली रेड साड़ी पहनी है, वो वाली नहीं पहनी है, ये वाली रेड साड़ी पहनी है। आज मेरा ये वाली रेड साड़ी पहनने का मन था। और अभी 10 बजे हैं, केवल 10 बजे हैं बस, और मेरे सारे काम हो गए हैं। फटाफट से जाके पूजा कथा और कर लेती हूँ। ये ऑफिस चले हैं गए हैं, ये ऑफिस गए हैं, इनके लिए मैंने सूजी का हलवा बना दिया था, तो सूजी का हलवा खा के चले गए हैं। काम सारे फिनिश हो गए हैं, फटाफट से पूजा करनी है, उसके बाद कुछ देखते हैं, कुछ स्पेशल बनाएंगे। आज तो फ्राइडे है। हमारे भैया भी नहा चुका है, हमारा अयान भी अन्नू का लाया है। हेलो बोलो सबको ऊपर। तो अभी मेरे मंदिर में पोछा नहीं लगा है, घर का पूरा एक एक कोना साफ हो गया है, सब जगह साफ सफाई हो गई है। आज मैंने अपने दोनों वॉशरूम भी साफ किए हैं नहाने से पहले, लेकिन मंदिर में पोछा मैं नहाने के बाद और पूजा से पहले ही लगाती हूँ। डेली का यही रूटीन रहता है, जब मैं पूजा करने आती हूँ ना तभी लगा लेती हूँ मैं। और अभी मुझे चने भूनने हैं, प्रसाद भी तैयार करना है, क्योंकि चने और गुड़ का प्रसाद लगता है, तो मैं तुरंत ताजे थोड़े से चने तभी भून लेती हूँ। और आप लोग बहुत दिनों से बोल रहे थे दी आप अपनी अर्ली मॉर्निंग का रूटीन शेयर कीजिए, तो सुबह ऐसा होता था कभी कभी, तो मैं कैमरे के सामने आने में मुझे हिचकिचाहट लगती थी। सुबह ऐसी हालत होती है, क्या ऐसे मुंह उठा के कैमरे के सामने चले आओ, या फिर कभी कभी जल्दबाजी में कैमरा नहीं सेट कर पाई तो फिर इनके ऑफिस से जाने के बाद ही शेयर करती थी। लेकिन आज मैंने जैसे हालत में थी वैसी हालत में कैमरा भी सेट किया और सुबह अर्ली मॉर्निंग का रूटीन भी शेयर किया आप लोगों के साथ में, क्योंकि यार ऐसे ही रहते हैं, सभी रहते हैं अपने घर पर, सुबह कोई कंगी वंगी करके तैयार व्यार होके आता है, तो इसलिए फिर मैंने कहा जैसे हैं वैसे ही ठीक है। और यहाँ पे मैंने कथा कर ली है, इनको गोद में बिठा के रखा था उतनी देर, क्योंकि नंदिनी नहा रही थी तो ये पूरा कहीं भगवान जी उठा के चल देते हैं, कहीं ये फैलाते हैं, कहीं प्रसादी उठा के खाने लगते, तो इसलिए मैंने इनको बिठा के की है पूजा। और यहाँ पे जो भगवान जी की नहलाने का पानी था वो मैंने अलग गमलों में डाला है, फिर दूसरा भर के लाई हूँ, फिर तुलसा जी में डाला है। तो इस आप लोगों ने मना भी किया था कि इस तरीके से पानी मत डाला करिए। और एक चीज़ और, आप लोग कह रहे थे कि आप गाय की रोटी नहीं निकालती हो, मैं गाय की रोटी इसलिए नहीं निकालती हूँ, मैं हमेशा से निकालती आई हूँ, क्योंकि यहाँ पे मुझे कभी भी गाय नज़र नहीं आती, आज तक मैंने यहाँ पे गाय नहीं देखी, मैं कहाँ जाके खिलाऊँ। इसलिए जो रोटी होती है ना मेरी पहली, वो मैं बालकनी में रख देती हूँ, तो मैं कौवों के लिए निकाल देती हूँ, वहाँ रख देती हूँ रोटी, वो खा जाते हैं पहली रोटी, तो किसी के नाम की भी निकाल देती हूँ मैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने कपड़े भी अपने मशीन में डाल दिए हैं, जो कि मैंने सर्फ में भिगो के रखे थे ब्रश लगा के, तो क्योंकि सबके कपड़े अब इकट्ठे हो गए थे तभी मैंने जाके डाले हैं। अब जाके बनाऊंगी चाय और कुछ स्नैक्स। फ्राई मखाने घी से और चाय, अब मैं पी रही हूँ चाय और मखाने, अभी तक मैंने चाय नहीं पी थी, और मतलब व्रत में खा लेते हैं मखाने घी से फ्राई किए हुए। और बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि दी आप नमक खा लेते हो व्रत में, तो मैं नमक नहीं खाती हूँ व्रत में, पूरे दिन नहीं खाती हूँ, लेकिन ये शुक्रवार वाले फ्राइडे के व्रत में ना शाम को आप कुछ भी खा सकते हो, केवल खटाई को छोड़ के सारा खाना खा सकते हो, इसलिए शाम को जो खाना बनता है उसमें नमक पड़ता है, दिन में नमक नहीं खाते हैं, सिर्फ फलाहारी कर सकते हैं। ये भी नहीं है कि मैं बिल्कुल खाली पेट रहूँ शाम तक, क्योंकि इतना काम करते हैं भूख लगती है, तो ऐसी चीज़ें हम खा सकते हैं, हमेशा नहीं, दिन में एक दो बार कुछ खा लो। चाय के संग जैसे खाली पेट चाय पियोगे तो पेट में गैस बनती है, दोपहर में पी रहे हो इसलिए, तो मखाने खा सकते हैं, आप लोग भी खा लीजिए। समझ में नहीं आ रहा था इन दोनों लोगों के लिए क्या खाना बनाओ, क्योंकि आज नंदिनी और नंदिनी के मौसा जी दोनों लोगों को ही खाना है खाना, तो ये सुबह लौकी लाके रख गए थे जब दूध लाए थे, तो क्योंकि इनको लगा था ये लौकी की बर्फी बनाने के लिए बोल रही थी, तो दूध भी ज़्यादा लेके रख गए हैं, लौकी भी एक बड़ी सी ले आए थे, तो मैंने कहा चलो इसी से लौकी बना लेती हूँ इसमें से काट के। तो मैंने सिर्फ एक छोटा सा ही टुकड़ा निकाला है, और क्योंकि ये खाली लौकी की सब्ज़ी कभी नहीं खाते हैं,
इसमें मैं दो आलू डालूंगी, एक लौकी का टुकड़ा डालूंगी। और लौकी बहुत आसानी से बहुत जल्दी बन जाती है, बड़ी इजी सब्जी होती है लौकी के, काट के बनाना कोफ्ते में तो खैर टाइम लगता है। तो मैं यहाँ पे लौकी आलू छौंक दे रही हूँ और थोड़ी सी रोटियाँ बना दूंगी। मैंने सिर्फ जीरा और हरी मिर्च से छौंक लगा रही हूँ, इसमें हींग और लहसुन प्याज कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ जीरा से और हरी मिर्च से यहाँ छौंक लगा दे रही हूँ। अयान के पापा की एक आदत तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत अच्छी है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो खाने में थोड़ा सा तिन्न भिन्न निकालते हैं कि खाने में ये अच्छा नहीं बनाया, वो अच्छा नहीं बनाया, ये क्यों बना दिया, वो क्यों बना दिया। लेकिन इनको कैसा भी खाना मिल जाए, कभी कभी जल्दबाजी में ऐसी सिंपल सब्जी बन जाए, कुछ भी बना दो, ये बड़े आराम से खा लेते हैं, कभी भी नखरे नहीं दिखाते हैं खाने में। इस चीज़ से मुझे बहुत ही ज़्यादा राहत मिली है कि मुझे खाने में कभी आज तक सुनने को नहीं मिला है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए सिंपली मसाले डाल दिए हैं इसमें, धनिया मिर्च हल्दी ये सब, और हल्का सा पानी डाल दूंगी ताकि बिल्कुल से सूखी नहीं, हल्की सी लिटपिटी सी सब्जी बन जाए जो खाने में सूखी सूखी सी ना लगे। तो ये सिंपल सब्जी है। अब मैं दिखाती हूँ चल के आप लोगों को कि मैं बेड के नीचे पोंछा इतना घुस घुस के क्यों लगाती हूँ, इतनी सफाई बेड के नीचे क्यों होती है। ये देख लीजिए, पूरा घर छोड़ के, पूरा बेड बिस्तर सब छोड़ के ये बेड के नीचे तकिया लेके जाते हैं और यहाँ पे एकांत में जाके सोते हैं कि ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे आके मुझे। ये देखो ये लगाए बिस्तर इनका। तो इनके आने का टाइम होने वाला है। बेटा साड़ी पकड़ के ना खींचो, हम गिर जाएंगे साड़ी पकड़ के खींचोगे तो। 12:30 का टाइम हो गया है, आने वाले हैं आधे घंटे के बाद। सब्जी बन गई है लौकी आलू की, आटा सान के रख दिया है, रोटी बस सेकनी है। तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करती हूँ, मिलती हूँ अपने नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ में, ब्लॉग के साथ में। तब तक लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे कमेंट खूब सारे भर भर के कीजिएगा। अयान बाय बाय बोलो।